गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ है मेरी डॉटर, क्योंकि कुछ इनकी ही स्पेशल चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक नूडल्स की रिव्यू करने वाली हूँ। मेरी डॉटर 2-3 महीने से लगातार इस नूडल को बहुत ज्यादा पसंद कर रही हैं एंड इसको बहुत टेस्टी लगता है। सो मुझे लगा क्यों नहीं, अगर आपके बच्चे 2 साल से ऊपर के हैं तो आप उन्हें ये ट्राई करा सकते हो। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर क्राम का नूडल्स, जो कि कुछ मेरे पास इसकी पैकेजिंग, 2 पैकेजिंग अभी अवेलेबल है और ऑलरेडी आन्या ने बहुत सारे पैकेजिंग फिनिश कर चुकी है। सो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसे खाने के लिए। इसमें रिफाइंड फ्लोर यूज नहीं किया गया है, नो मैदा, नो फ्राइड और इसमें 0 जंक प्रॉमिस है। इसे अपने बच्चे को बेफिक्र होकर दे सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है 2 मदर्स द्वारा बनाया गया है, तो एक माँ ही दूसरी माँ की प्रॉब्लम समझ सकती है। तो आप बेफिक्र होकर अपने बच्चों को दे सकते हो और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। सो मेरी डॉटर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है ये नूडल्स बनाती हूँ। तो डेली बेसिस के लिए जो नूडल्स आप बनाते हो बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप ये नूडल्स आप ट्राई करा सकते हो। तो मैं इसका प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। अगर आपके थोड़े और बड़े बच्चे हैं तो आप इसमें जो भी पसंद के वेजिटेबल्स हो, जो भी वो पसंद करते हैं, वो अगर आप इसमें डालोगे तो बच्चों के वो नूडल्स के साथ साथ आप बहुत सारे वेजिटेबल्स भी आप बच्चों को खिला पाओगे और बच्चे काफी पसंद से खाएंगे इसे। तो मेरी डॉक्टर को जो भी चीजें पसंद है वो मैं इसमें डालूंगी एंड इसे कुक करने वाली हूँ। दिस नूडल्स ओके एंड ये ऑसम होता है, ऑसम बनता है ये एंड इसे बहुत पसंद से ये खाती है। सो मैं अपने डॉटर को भी खिलाऊंगी एंड इससे इसका रिव्यू लेंगे। तो देखते हैं ये क्या रिव्यू करती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ मैंने वाटर को रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसमें थोड़ा सा ऑयल एंड सॉल्ट ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा मुझसे पड़ गया, आप थोड़ा सा कम डालना। एंड ये इसमें ऑयल इसलिए डालते हैं क्योंकि आपका नूडल्स स्टिकी नहीं बने। इसके बाद इसमें आपको एक टेस्टर भी दिया जाता है जिसमें अलग से आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने बच्चे को जो भी वेजीज पसंद करते हैं उस वेजीज के साथ आप इसे खिला सकते हो। तो ये पूरा पैकेट डाल देंगे। इसे काफ़ी अच्छे से बॉयल आपको करना है, 2 से 3 मिनट में काफ़ी अच्छे से ये बॉयल हो जाएगा नूडल्स। उसके बाद इसे स्ट्रेनर में निकाल लीजिए एंड इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए ताकि ये ओवर कुक नहीं हो। ये काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है, ना कि आपको अंडर कुक करना है ना ही आपको ओवर कुक करना है। उसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसमें आप थोड़ा सा जीरा डाल दो एंड आप ग्रीन चिली डाल सकते हो अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो। मैं ग्रीन चिली इसमें अवॉइड कर रही हूँ। उसके बाद आपको अनियन डालना है एंड थोड़ी देर के बाद हम इसमें कैरेट भी डालेंगे एंड उसे स्टर करेंगे। एंड तो आप उसमें कुछ भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो। मैंने एक बॉयल पोटैटो रखा है वो मैं इसमें ऐड करूँगी और ये काफ़ी अच्छे से मेरी डॉटर को पसंद आता है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी ग्रीन वेजीज ऐड कर सकते हो एंड इसे थोड़ी देर के लिए स्टर करेंगे। उसके बाद ये पूरा टेस्टर जो है, जो भी मसाला है इस पैकेट में, वो सारे मसाले को हम डाल देंगे एंड वेजिटेबल के साथ थोड़ा सा सॉटे करेंगे ताकि इसका मसाला सारे वेजीज में अच्छे से स्प्रेड हो जाए, बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। देन उसके बाद हम वेजिटेबल को सॉटे कर लेंगे एंड उसके बाद हम उसमें नूडल्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करके आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड आप मिक्स कर लोगे एंड थोड़ी देर के बाद आपका नूडल्स एकदम रेडी हो जाएगा। एंड ये इतना अच्छा है, इसका अरोमा जब आप बनाओगे ना तो पूरे घर में इसका अरोमा फैल जाएगा। आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, आप ग्रीन ग्रीन कुछ वेजिटेबल्स डालोगे एंड रेड कैरेट है, इस तरह से बहुत ही कलरफुल सा ये नूडल्स बनके तैयार होता है एंड ये काफ़ी हेल्दी हो जाता है एंड वेजीज के साथ तो और भी डबल इसकी बेनिफिट बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब इसे हम ट्राई करते हैं। तो ये नूडल्स है सार फॉर्म का नूडल्स, इसमें कोई भी मैदा नहीं यूज़ किया गया है, फ्राइड नहीं है, तो आप इसे रोज़ाना खा सकते हो। इट मीन्स काफ़ी ये हेल्दी है आपके लिए। तो गाइज़, आप भी अपने बच्चों को इतना हेल्दी नूडल्स खिलाना चाहते हो तो आप इस नूडल को ज़रूर ट्राई करना। इसकी वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हो।
लाइक अ लॉट, इसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है और ये ऑलमोस्ट इसने हाफ खत्म कर दिया है. यू लाइक इट? लाइक इट. हाउ इज दैट फूड? यमी है? यमी है. सच में बहुत ऑसम है, टेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई स्पाइसेस भी नहीं है तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है. मुझे मन हो रहा है मैं ही पूरा खा जाऊँ. ओके, लेट्स फिनिश इट टाइम. अगर छोटे बच्चे हैं तो आप भी इसे ट्राई ले सकते हैं. प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. बाय बाय, सी यू लेटर, बाय.